हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो में मैं एम्स से बीएससी नर्सिंग 2025 के ऊपर बात करने वाला हूं। जो आप लोग 2025 में जो आप लोग एग्ज़ाम देंगे बीएससी नर्सिंग का, उसका मैं आज आपको पूरा एक रोड मैप देने वाला हूं। रोड मैप का मतलब कि आपको आपके मंजिल तक पहुँचाने का रास्ता मैं आज आपको बताऊँगा कि आपको अगर आप इन तरीकों को, इन जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, आप ऐसे पढ़ाई करेंगे पूरे साल भर, तो आपको जो है आपका जो ड्रीम कॉलेज है, जो भी एम्स आपका है, आपको ज़रूर अचीव होगा। तो आज के वीडियो में जो है मैं आपसे बात करने वाला हूँ, आपका टाइम टेबल और शेड्यूल क्या रहना चाहिए आपका पूरा एक साल, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊँगा एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है, जिसको मैं भी फॉलो किया हूँ। मैं बार बार इसको अपने वीडियोज़ में बताता भी हूँ, आपको रिविज़न कैसे करना है, आपको अपने डेली शेड्यूल में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपको सेल्फ स्टडी जो है कैसे करनी है, सेल्फ स्टडी आपको जो है वो कैसे करनी है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको कुछ सब्जेक्ट जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनमें कितने क्वेश्चंस होते हैं, हर इस सब्जेक्ट का आपका जो है कितना नंबर, मार्किंग सिस्टम क्या होता है एम्स बीएससी नर्सिंग में, और साथ ही साथ आपको जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो है आपको कैसे करनी है, उनमें आपको किन किन अगर आप ऐसे तरीकों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको जो है आपका मार्क्स अच्छा आएगा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, तो मैं आपको उन तरीकों को भी बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि रिवीजन का क्या इंपॉर्टेंस होता है आपके प्रिपरेशन के दौरान, ठीक है, रिवीजन का क्या इंपॉर्टेंस है इसको भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि जो ड्रॉपर स्टूडेंट हैं और जो बच्चे अपीयरिंग में या फ्रेशर्स इनको हम बोल सकते हैं, उनको कैसे प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, तो इनके लिए भी मैं आपसे बात करूंगा। ड्रॉपर्स मतलब कि जो बच्चे अभी मान लो 2022 में या 23 में एग्ज़ाम दे चुके हैं बट उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उनको कैसे करना है, तो मैं आज आपको उसे वो भी आपसे डिस्कस करूंगा। इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा आपको टेस्ट कैसे आपको देना है, सोशल मीडिया को से आपको कैसे दूरी बना के रखनी है कि नहीं बना के रखनी है, कैसे आपको सोशल मीडिया से आपको फाइट करना है, इन सब चीज़ों को मैं आपको आपसे बात करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो माय नेम इज शोम उपाध्याय, आई एम स्टडिंग किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। तो सबसे पहले जो है मैं बात करता हूँ आपके टाइम टेबल और शेड्यूल के ऊपर, ठीक है, कि आपका जो है ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपका टाइम टेबल और शेड्यूल क्या होना चाहिए और क्या रहेगा, आपको कैसे कैसे मतलब आपको सिलेबस कब ख़त्म करना है, कब आपको रिविजन करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो मैं आपको सब चीज़ें चलो बता देता हूँ। सबसे पहले तो सबसे पहले देखो, मैं अगर बात करता हूँ कि जो एम्स बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो किस मंथ में होता है, वो होता है जून के महीने में, ठीक है। जून के महीने में जो है आपका एम्स बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो एम्स द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। तो अभी जो है जुलाई का महीना चल रहा है, अब आप लोग जो है अपनी प्रिपरेशन जो है अगस्त से स्टार्ट कर दो, जो भी बच्चे हैं, ठीक है। अभी मान लो अब आप लोग और भी स्टेट्स के भी बच्चे एग्ज़ाम दिए होंगे, अभी PGIML का जैसे एग्ज़ाम था, तो अगर आप सबको पता चल जाता है कि उनका सिलेक्शन हुआ कि नहीं होगा, और लगभग मोस्ट आप जो एग्ज़ाम्स हैं बीएससी नर्सिंग के हो गए हैं, उनके रिजल्ट भी आ गए हैं, काउंसलिंग भी लगभग सबकी ख़त्म होने वाली होगी, तो अब सबको पता चल गया होगा कि उनको कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अब आपको जो है, अब आपके पास देखो ज़्यादा टाइम बचा है नहीं, और क्योंकि कंपटीशन भी जो है दिन पर दिन जो है बहुत ज़्यादा टफ होता जा रहा है, फाइट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। आप लोग इस बार देख ही होंगे कैसा है, कितना ज़्यादा जो कंपटीशन का लेवल है कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। तो अब नर्सिंग भी इतना ईजी आपको नहीं रह गया है जितना लोग पहले समझते थे, अब जो है बहुत इसके लिए बहुत ज़्यादा फाइट होने वाली है आने वाले टाइम में नर्सिंग के लिए, क्योंकि नर्सिंग में बहुत ज़्यादा स्कोप भी है और इसका डिमांड जो दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है, और नीट में भी बच्चे इतना ज़्यादा अपीयर हो रहे हैं कि उतने उनको सीट सबको नहीं मिल पा रही है MBBS की, तो नर्सिंग एक अच्छा फिर कैरियर ऑप्शन है, इसलिए बच्चों का जो है इसमें जो है इंटरेस्ट दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। और इससे पहले देखो आप लोग जो है अगस्त से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, तो अगस्त से आपको जनवरी तक, मैं आपको एक आपको बताऊँ कि आपको अगस्त से जो है जनवरी तक आपको करना क्या है, कि जो आपको एक बार आपका जो सिलेबस कंप्लीट करना है वो आपको अगस्त से जनवरी के बीच में कर लेना है, ठीक है। वो आप चाहे कहीं से भी करें, चाहे आप वो सेल्फ स्टडी से करें या फिर कहीं कोचिंग से कर रहे हैं, तो आपको जो है एक बार आपका जो सिलेबस है वो लास्ट जनवरी तक आपको सिलेबस अपना कंप्लीट कर लेना है। तो एक तरह से जो आपका समझो कि एक बार जो सिलेबस है आपको कितना वो कंप्लीट हो जा रहा है, कब, जनवरी तक। इसमें आप जो है अच्छे से पढ़ाई करेंगे पूरा मन लगा के, मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ रिवीजन नहीं करना है, अच्छे से आपको एकदम जीरो से स्टार्ट करना है। जैसे कि मैंने आपको बोला ना, जीरो टू आपको 85+ कैसे ला, एकदम जीरो से आप स्टार्ट करेंगे तो आई थिंक आप बेहतर परफॉर्मेंस देंगे अपने एग्ज़ाम में। तो आपको जो पहली बार सिलेबस आपको कम्प्लीट करना है वो आपको लास्ट जैन तक आपको कर लेना है। इसके बाद देखो आपको फरवरी से मार्च के बीच में, आपको बात करता हूँ,
तो आपको सेकेंड टाइम जो है अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। एक बार तो मान लो आपने जनवरी में अपना सिलेबस जो है कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपको फरवरी से मार्च के मतलब मार्च के एंड में आपको जो है अपना सेकेंड टाइम रिवीजन करना है। सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब आपको जो है रिवीजन एकदम ऐसे मतलब थियोरेटिकली जैसे आपने पढ़ाया है कोई भी थियोरी के हर चैप्टर की, आपको एक बार सबकी रीडिंग लगा लेनी है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, ठीक है, सबकी रीडिंग आपको लगा लेनी है एक बार। इसके बाद जो है आपको ये तो आपका बस हो गया क्या, तीसरा बार आपको रिवीजन हो गया, ठीक है। सेकेंड टाइम आपने अपना सिलेबस ठीक है कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अब देखो जो रिवीजन आपको करना है फिर से तीसरी बार, वो आपको कब करना है, वो मार्च से मई के महीने में बीच में करना है। और मार्च से मई के महीने के बीच में आपको सिर्फ रिवीजन ही नहीं करना है, बल्कि रिवीजन के साथ साथ जो है आपको वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। सिर्फ आपको रिवीजन नहीं करना है बल्कि आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है साथ साथ। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो आप लोग करेंगे ये आप पूरा होल सिलेबस का करेंगे इसमें, ठीक है। इसमें आपको क्या होल सिलेबस का आप लोग जो है वो इसमें आप लोग जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ आपको मतलब आप यहाँ पे यूनिट वाइज नहीं करेंगे। और मैं आपको भी बताऊंगा कि जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस का इंपॉर्टेंट क्या है आपके ड्यूरिंग प्रिपरेशन में, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस जो होता है एक बहुत बड़ा जो है रोल प्ले करता है आपकी प्रिपरेशन में, आपकी सिलेक्शन में। तो देखो जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस होता है, आपने मान लो एक बार दो बार प्रिपरेशन मतलब आपने रिवीजन कर लिया, लेकिन जब तक आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे नहीं, सिर्फ रिवीजन करने से आपको आपका कमजोरी पता नहीं चलेगा कि आपकी कमजोरी क्या है। आपकी कमजोरी आपको अब जो आपका वीक पॉइंट है आपको तभी पता चलेगा जब आप क्वेश्चंस करेंगे। कुछ आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपके क्वेश्चंस गलत होंगे, तो आपके जब क्वेश्चंस गलत होंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि हाँ हमारी गलती कहाँ हो रही है, मेरा वीक पॉइंट जो है वीक पॉइंट कहाँ पे है, ठीक है। तभी आप अपनी जब तक आप अपनी गलतियों से सीखेंगे नहीं तब तक आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे और आप अच्छा आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ रिवीजन के साथ साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपको सीखने को मिलता है बहुत कुछ। आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है आपका इसी मेन तो कॉन्सेप्ट आपका इसी से क्लियर होता है जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जिनके क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं इसका मतलब कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिनका क्वेश्चन नहीं सही हो रहा है गलत हो रहा है बार बार, इसका मतलब कि आपको उन्हीं पोर्शंस पे आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, आपको उन्हीं पे मेहनत करने की ज़रूरत हो। इसके बाद मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ, इस फार्मूले को मैं भी फॉलो किया था और मैं भी बार बार अपने आप जो बच्चे मतलब पहले से मेरा वीडियोस देखे होंगे उनको मैं ये चीज़ बार बार बोलता आया हूँ कि जो आपका सिलेक्शन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ रिविजन्स के एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस की। देखो बच्चों आपके सिलेक्शन में नंबर ऑफ रिविजन का और क्वेश्चंस प्रैक्टिस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स आप रिवीजन करेंगे, उतना आप जो है सिलेक्शन के पास में आएंगे और आप उतना अच्छा आप करेंगे अदर एज़ कम्पेयर टू अदर बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि देखो सब लोग प्रिपरेशन साल भर पूरे हर कोई करता है, लेकिन रिवीजन हर कोई नहीं करता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस हर कोई नहीं करता है। इसलिए बच्चे बोलते हैं कि हमने मेहनत तो बहुत की बट हम सेलेक्ट नहीं हो पाए। तो आप कैसे आप सेलेक्ट हो पाएंगे जब आपने सही तरीके से आपने प्रिपरेशन की ही नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि रिवीजन और क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपके प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ स्किप मत करना। इसके बाद मैं आपको बात करता हूँ आपका डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए, ठीक है। देखो हर कोई अपना सबका टाइमिंग अपना अलग अलग होता है, इसलिए मैं आपको टाइम टेबल नहीं बता रहा हूँ कि आपको किस टाइम पे क्या कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर इंसान का अपना सोने का जगने का हर सबका इंसान का अपना अलग अलग टाइम होता है। तो आप लोग अपना टाइम टेबल से खुद से बनाना है, बट उन टाइम टेबल में आपको क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है वो चीज़ मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो इसलिए सबसे पहला जो मैं पॉइंट आपसे डिस्कस करूँगा वो ये है कि आपको जो है क्लासेस और लेक्चर्स जो है आपको डेली बेसिस पे लेने हैं, ठीक है। आप भले आप ड्रॉपर हो, आपने साल दो साल प्रिपरेशन कर रखी है, बट आपको देखो एक फिर से आपको एक नए तरीके से जो है पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी। आपको एकदम जीरो से अपनी चीज़ें स्टार्ट करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं कि आप इस सोच के मत प्रिपरेशन करना कि हम ने साल दो साल पढ़ रखा है तो हम सिर्फ रिवीजन कर लें, तो रिवीजन से नहीं, आपको फिर से एक नए सिरे से आपको अपनी जो है तैयारी उसको स्टार्ट करनी है। और आपको आप किसी भी कोचिंग से आप ले सकते हो या फिर जिन बच्चों के अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप लोग जो है सेल्फ स्टडी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अपने जो आप सिलेबस उसको आप सेल्फ स्टडी से आप लोग कंप्लीट करिए। तो सेल्फ स्टडी भी कुछ इस तरह करना है कि ऐसा नहीं कि एक दिन में आप एक चैप्टर कंप्लीट करना है, आराम से एक पाँच दिन छः दिन एक हफ्ता ले लो एक चैप्टर को कंप्लीट करने में, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ाई करना है। जो भी आप जब आप पहली बार आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो आपको जो है अच्छे से अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, सिर्फ भाग भाग के नहीं कंप्लीट करना है कि नाम का बस आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया। इसके बाद जो है आपको रोज़ अपने जो डेली शेड्यूल में आपको सेल्फ स्टडी भी इंक्लूड करनी है। आप देखो सेल्फ स्टडी जो है बहुत ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस है आपको सिलेक्शन में,
ठीक है, क्योंकि कोई एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूँ कि कोई भी कोचिंग या कोई भी टीचर आपको सेलेक्ट नहीं करवा सकता है। अगर कोई आपको टीचर बोल रहा है कि आप हमारे कोचिंग से पढ़ लीजिए, हम आपका सिलेक्शन करवा देंगे 100% श्योर है, तो वो देखो बिल्कुल आपको झूठ बोल रहा है, आपसे आपको अंधेरे में ढकेल रहा है वो। इसलिए जो बच्चा सेलेक्ट होता है वो अपनी सेल्फ स्टडी के दम पे होता है, ठीक है। मैं मानता हूँ जो 30-40% जो है कॉन्ट्रीब्यूशन होता है कोचिंग वालों को, लेकिन उसके बाद जो आपका 70-80% जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है सिलेक्शन के लिए, वो आप खुद से करते हैं। आप जितना आप अगर सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो आपको कोई भी कोचिंग, कोई भी टीचर आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकता है। इसके बाद देखो आपको जो है एटलीस्ट जो है आपको डेली आप के जो जो सब्जेक्ट हैं उनको आपको 1.5 से 2 घंटे डेली हर सब्जेक्ट को देना है। ऐसा नहीं कि आप आज सिर्फ फिजिक्स पढ़िए, कल केमिस्ट्री पढ़िए, परसों बायो पढ़िए, आपको ऐसा नहीं करना है। रोज़ आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, पीसीबी आपका जो जीके है सब आपको रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, लेकिन आपको थोड़ा ही आप पढ़िए लेकिन सारे सब्जेक्ट को रोज़ पढ़ना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप एक दिन 5-6 घंटा फिजिक्स ही पढ़ते जाओ लगातार, उसके बाद आप अगले दिन केमिस्ट्री पढ़ते जाओ, तो आपको ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। रोज़ जो है सभी सब्जेक्ट को टाइम देना, अच्छे से देना है। इसके बाद देखो आपको क्या करना है कि रिवीजन, ठीक है, आपको वीकली बेसिस पे, मतलब जैसे आपने मान लो एक हफ्ते में, ठीक है, एक चैप्टर फिजिक्स से कंप्लीट कर लिया, एक चैप्टर जो है केमिस्ट्री का कंप्लीट कर लिया, एक बायो का, एक नर्सिंग एप्टीट्यूड का, तो आपको वीक में आप या तो सैटरडे या फिर आप संडे, ठीक है, आप एक अपना शेड्यूल डिसाइड कर लो कि आपको किस दिन जो है आपको अपना जो है वो रिवीजन करना है। उस दिन आप जितना हफ्ते भर आपने जो पढ़ा है उसको आप लोग वीक के एक बार एंड में आप लोग अपना, ठीक है, रिवीजन कर लो, ताकि जो चीज़ें आपने हफ्ते मतलब पूरा वीक आपने पढ़ा है वो चीज़ें आपको फिर से एक बार रिवाइज हो जाएँ और वो चीज़ें भूलें ना। आप जैसे जैसे ऐसे करेंगे तो आपको जो है, ठीक है, वो चीज़ें धीरे धीरे आपको याद होती चली जाएंगी। इसलिए जो कॉम्पिटिशन का लेवल है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इसलिए आपको जो है एक अच्छे स्टैंडर्ड के साथ, आपको अच्छे तौर तरीकों के साथ, एक डिसिप्लिन वे में रहते हुए आपको जो है वो आपको प्रिपरेशन अपनी करनी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे देखो ऊपर यहाँ पे लिख रखा भी है कि क्या डेडिकेशन और डिसिप्लिन। देखो डेडिकेशन और डिसिप्लिन मतलब कोई भी बच्चा होता है, प्रिपरेशन तो हर कोई स्टार्ट करता है, लेकिन एक जो डिसिप्लिन होता है हर कोई मेंटेन नहीं कर पाता है। अभी जो मैं आपको शेड्यूल ही बता रहा हूँ, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इसको साल भर फॉलो करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो इसको 2-4 दिन फॉलो करेंगे, हफ्ते 10 दिन फॉलो करेंगे, महीना फॉलो करेंगे बहुत ज़्यादा ज़्यादा, उसके बाद उनका जो मोटिवेशन है वो छूट जाता है और चीज़ें फिर से वो गिव अप कर देते हैं। तो आपको देखो यही चीज़ नहीं करना है, डिसिप्लिन वे में रह के आपको जो है पढ़ाई करनी है, आपको कुछ बीच रास्ते में आपको अपनी जो तैयारी उसको छोड़ना नहीं है, आपको अच्छे से पढ़ाई करना है। इसके बाद देखो आप मान लो सैटरडे को आपने अपना जो है वीकली रिवाइज कर लिया, उसके बाद आपको जो संडे आपका होगा उस दिन आपको जो है अपना क्या करना है, आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देना है, ठीक है। आपको चैप्टर के एंड में जो आपने जैसे मान लो आपने कोई लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिया, वर्क एनर्जी पावर पढ़ लिया, या फिर जैसे आपने मान लो लिविंग वर्ल्ड चैप्टर पढ़ लिया, तो उसके एंड में आपको जो है एक बार आपको जो भी आपका चैप्टर है उसका चैप्टर वाइज आपको टेस्ट देना है, ताकि पता चले कि आपने चैप्टर तो पढ़ लिया, क्या उसका कुछ आपको पल्ले पड़ा है कि नहीं, कुछ आपके दिमाग में घुसा है कि नहीं घुसा जो भी आपने पढ़ा। तो इवेल्युएट करने का सिर्फ एक सबसे जो बेहतरीन तरीका यही है कि आप लोग जितना अगर आप टेस्ट देंगे तो आपको आपकी कमजोरी पता चल जाएगी, आपको अपने आपको इवेल्युएट भी कर लेंगे कि आपने जो एक हफ्ते में जो चैप्टर आपने कंप्लीट किया है क्या वो आपको अच्छे से समझ में आया है कि नहीं आया है। तो इस तरीके से आप जो है अपने आपको इवेल्युएट कर सकेंगे और आपको एक बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को एनालिसिस करने का। और ये आपको टेस्ट देखो तब देना है जैसे ही आपने चैप्टर ख़त्म किया। जैसे मान लो आज फ्राइडे है, सैटरडे मान लो आज सैटरडे को आपका कोई चैप्टर ख़त्म हो रहा है, तो आप संडे को जो है अपना टेस्ट दे लो, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ जैसे ही आपने चैप्टर ख़त्म किया वैसे आपको जो है टेस्ट देना है। और हाँ ठीक है, देखो प्रॉपर ब्रेक भी आपको यहाँ पे मैं जो अगला पॉइंट है प्रॉपर ब्रेक लिखा हूँ, तो आपको देखो प्रॉपर ब्रेक भी लेना है ड्यूरिंग प्रिपरेशन। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको पढ़ते चले जाना है, सिर्फ पढ़ाई देखो ज़रूरी नहीं है लाइफ में, आपको सब अपना लाइफ भी आप इन्जॉय करो। सिर्फ अगर आप पढ़ाई ही पढ़ाई दिन भर अपना अपने आप शेड्यूल में अगर इसको करेंगे तो आप खुद एकदम आप इरिटेट हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और आपका पढ़ने का खुद ही मन नहीं करेगा। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि आपको ठीक है ब्रेक मतलब सिर्फ 5 मिनट का 10 मिनट का लो, ऐसा नहीं, आप ठीक है आपको इतना लो कि आप बस इतना ब्रेक लो उससे आपकी पढ़ाई ना डिस्टर्ब हो। आप चाहे वो 10 मिनट का लो चाहे आप वो 1 घंटे का ब्रेक लो, लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं कि आपने आधे घंटे पढ़ाई की और 1 घंटे आप ब्रेक ले रहे हो, तो ये भी सही बात नहीं है, ठीक है। आप अगर 1.5-2 घंटा आप पढ़ रहे हैं तो उसके बाद जो है आप लगभग 15-20 मिनट का आप जो है ब्रेक ले लीजिए, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आप जो भी अपना चाहे आप फ़ोन चेक करना चाहते हो या फिर आप कहीं कुछ थोड़ा घूम टहल लो, कुछ खा पी लो, तो आप उसको कर सकते हैं। तो आपको प्रॉपर ब्रेक भी लेना है हर ठीक है 1.5-2 घंटे के बाद में। उसके बाद देखो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट बिल्कुल मत करो, ठीक है,
जस्ट आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने आप को आप रिस्ट्रिक्ट करेंगे उतना ज़्यादा, ठीक है, आपके अंदर जो एक एनजाइटी का लेवल है वो बढ़ता चला जाएगा। अगर आप अपने आप को इतना रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो आपकी प्रिपरेशन और ख़राब होती जाएगी, आपका जो परफॉर्मेंस है और बेकार, उसका जो आपका ग्राफ है जो ऊपर जा रहा था वो ग्राफ आपका यहाँ से सीधा नीचे चला आता जाएगा। इसलिए आपको जो है सभी को अच्छे से, सभी चीज़ों को अच्छे से मैनेज करके चलना है, सिर्फ एक चीज़ की नहीं, सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक जैसे प्रेशर कुकर होता है, जब प्रेशर कुकर में सिर्फ सीटियाँ लगातार निकलती रहती हैं तब प्रेशर कुकर जो है उसमें आपका जो अंदर का जो खाना होता है पक जाता है, जो भी आप पकाना चाहते हो। और अगर प्रेशर कुकर की सीटी आप ऐसे रोक के दो, सीटी निकल रही है और आप सीटी को बार बार दबा दे रहे हो, सीटी को निकलने नहीं दे रहे हो, तो प्रेशर अंदर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि वो ये कुकर क्या कर जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह जो हमारी बॉडी होती है कुछ इस तरह डिज़ाइन होती है कि हमें जो अपनी एनजाइटी अंदर से जो चीज़ें हैं पढ़ पढ़ के भी चीज़ एनजाइटी इंसान के अंदर आ ही जाती हैं, तो आपको उनको रिलीज़ भी करना है। उस जरिए आप चाहे फ़ोन से, आपको अगर फ़ोन में कुछ थोड़ा बहुत वीडियोस देखना है, कुछ गेम्स खेलना है, ठीक है, या फिर आप मूवी कुछ थोड़ा बहुत देखना है आप देख लो, और या फिर आप थोड़ा घूम फिर लो कैसी पार्क वार्क में, तो इतना चीज़ें देखो प्रिपरेशन के दौरान ज़रूरी होती हैं। सिर्फ पढ़ाई हर चीज़ नहीं होती है लाइफ में, ठीक है, थोड़ा बहुत आप अपने आप को भी टाइम देना ज़रूरी होता है। तो मैं जो आपको एग्जांपल दिया ना प्रेशर कुकर का, तो उस चीज़ को आप ध्यान रखना तो आपको आई थिंक अच्छा, आपको भूलोगे नई चीज़ों को आप। तो इसके बाद देखो ये तो बात हो गई आपके क्या है, यहाँ पे मैं आपको शेड्यूल के बताया कि आपको डेली शेड्यूल में आपको क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है। तो आई थिंक अगर आप अपने डेली शेड्यूल में इन सारी चीज़ों को अगर आप इंक्लूड करेंगे तो आपको जो है एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा और बेहतर आपको जो है वो उसका जो आउटकम है आपको निकल के आएगा। और इसके बाद देखो अब आपको मैं बात करता हूँ सिर्फ स्टडी के ऊपर। तो देखो किसी भी प्रिपरेशन में मैं आपको पहले बता दिया कि सिर्फ स्टडी का क्या इंपॉर्टेंस था, तो मैं आपको बताता हूँ आज कि आपको सिर्फ स्टडी में क्या क्या करना है, ठीक है। सेल्फ स्टडी तो उसका जो सिग्निफिकेंस था, इंपॉर्टेंस था, उसको मैं पहले ही बता दिया हूँ। तो आपको देखो सेल्फ स्टडी में जो है आपको क्या क्या चीज़ें आपको जो है वो फॉलो करनी है, तो मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखो आपको सेल्फ स्टडी में आपको क्या करना क्या है कि आपको शॉर्ट नोट बना के पढ़ना है, उसके बाद आपको रिविज़न प्रॉपर करते रहना है और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है। तो सेल्फ स्टडी में आपको शॉर्ट नोट प्रॉपर आप बनाना, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट नोट भी मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट नोट का क्या उसका इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है। इसके बाद आपको रिवीजन भी आपको, ठीक है, सेल्फ स्टडी में आपको रिवीजन को अपने इंक्लूड करना है और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में। तो ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको अपने सेल्फ स्टडी में इसको इंक्लूड करना है, ठीक है, क्या क्या, शॉर्ट नोट हो गया, रिवीजन हो गया, और क्या, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। उसका जो है क्या इसका सिग्निफिकेंस होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है आपकी प्रिपरेशन में। तो देखो शॉर्ट नोट बनाने से आपको, जैसे आपने मान लो कोई चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद आपने एंड में अगर उसका शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर लिया, तो उसके बाद आपको उसको रिवीजन करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है वो चीज़ शॉर्ट नोट आपका। जैसे आपने मान लो कोई चैप्टर एक हफ्ते में पढ़ा है, लेकिन आप उस चैप्टर को फिर एक घंटे दो घंटे में पूरा चैप्टर आप रिवाइज कर सकते हो। तो इसलिए आप लोग जो एक A4, उसको मैं अभी आपको बता दूंगा बाद में अलग से वीडियो में कि आपको जो शॉर्ट नोट कैसे बनाना है। आपको शॉर्ट नोट बनाना है, रिवीजन करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद देखो आप जो है मेरा टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लो, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। इस पे मैं आपको जो है वो अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड चीज़ें आपको बताता रहूँगा, आपको गाइड करता रहूँगा। और आपको एक मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है उसको फॉलो कर लेना है, वहाँ भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। तो अभी मैं आपको जो एक अनाउंसमेंट आपको करने वाला था, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए। तो अनाउंसमेंट देखो ये है कि मैं अब आपको या तो फिजिक्स या केमिस्ट्री, आप लोग दोनों में से एक चीज़ बताओ कि आपको क्या पढ़ना है, इसको मैं पूरा जो है, नहीं तो फिर मैं अगर ट्राई करूँगा अपने एंड से कि मैं दोनों सब्जेक्ट जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों आपको पूरा एक होल सिलेबस का एक पूरा मैं आपको यहाँ पे पूरा अच्छे से पढ़ाऊँ, और पूरे आपको जब तक आपका मतलब कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक मैं आपको, ठीक है, आपका मतलब लास्ट जनवरी या फरवरी तक मेरा जो है सिलेबस वो आपका मैं कंप्लीट करा दूंगा। वैसे मैंने आपको बोला कि अगर लास्ट जनवरी, तो मैं आपका सिलेबस जो है वो लास्ट जनवरी तक पूरा कंप्लीट करा दूंगा अपने एंड से। फिर मैं ऐसा नहीं बोलूँगा मेरे से ही पढ़ना, अगर आपको मेरा जो कंटेंट है अगर समझ में आता तो आप मेरे से पढ़िए, नहीं तो फिर आप किसी और चैनल से आप, ठीक है, आप हेल्प ले सकते हो, आप वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हो। तो इसलिए मैं जो है आपको फिजिक्स और क्या क्या केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको मैं आपको पढ़ाऊंगा अच्छे से, पूरा प्रॉपर नोट्स से बना के आपको पढ़ाऊंगा, और आपको उन नोट्स को अच्छे से खुद से बनाना भी है, और आपको उन्हीं से जो है अगर आप इतना अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप बड़े आराम से आपको जो है एम्स कॉलेज जो आपको आपको मिल जाएगा, जो अब भी आपका ड्रीम कॉलेज, आप अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुँच जाओगे। तो इसलिए जो है आपको ये अनाउंसमेंट यही थी कि मैं आपको जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री इस बार अच्छे से पढ़ाऊंगा, पूरा सिलेबस जो है मैं आपका कवर कराऊंगा लास्ट जनवरी तक, जो है मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आपका जो सिलेबस है मैं आपको ख़त्म करा दूंगा, ठीक है।
इसके बाद अब मैं बात करता हूँ सब्जेक्ट का। तो देखो जो एम्स बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, इसमें टोटल जो है 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और जनरल नॉलेज। तो फिजिक्स के जो है 30 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 30, बायो के 30 और जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जाते हैं। 30 जो है फिजिक्स के होंगे, 30 केमिस्ट्री के, 30 बायो के और 10 जो है आपके जीके का क्वेश्चंस होगा। तो ये तो बात हो गई कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में जो है कौन कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। इसके बाद अब बात करता हूँ कि जो एम्स बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, इसमें मार्किंग सिस्टम क्या होता है, कि मतलब आप अगर क्वेश्चंस को सही करते हो तो आपको कितना नंबर मिलता है, और अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो आपको कितने नंबर आपके माइनस होंगे। तो देखो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो एम्स बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। एग्ज़ाम दे दोगे उसमें आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपके जो है प्लस वन मार्क्स जो है ऐड होंगे, और अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो आपके माइनस 0.33 क्वेश्चंस आपके जो है वो गलत हो जाएंगे। मतलब कि वन थर्ड आपके जो मार्क्स हैं वो कितने आपके माइनस कर दिए जाएंगे, जितना भी आप जो है सही, आप जितना नंबर आप स्कोर करोगे उसमें से आपका माइनस पॉइंट थ्री थ्री मार्क्स आपके जो है वो रिड्यूस कर दिए जाएंगे आपके टोटल मार्क्स में से। तो इसलिए जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है क्वेश्चन प्रैक्टिस का। तो इसके बाद देखो अब मैं बात करता हूँ कि आपको जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कैसे कैसे करनी है। तो फिजिक्स में देखो आपको जो है वो लेक्चर्स आपको डेली लेने हैं, आपको रिवीजन करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है, आपको फार्मूला शीट एक बनानी है। जैसे कि आप मान लो आपको कोई चैप्टर, मान लो जैसे आप कोई ग्रेविटेशन चैप्टर मान लो आपका हो गया, ठीक है। तो अगर जैसे ही आपको ग्रेविटेशन चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद आपको एक शॉर्ट नोट बनाना है। जब आप फार्मूला शीट और ये सब चीज़ें बनाओगे तो उससे आपको जो है आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगी, और आप एक अच्छा परफॉर्मेंस करोगे अपने एग्जाम में, बेहतर रिजल्ट आप लोग लेके आओगे अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हो, ठीक है। खासकर फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए तो बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है फार्मूला शीट और शॉर्ट नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए। मैं बार बार ये चीज़ें आपको बोल रहा हूँ। और क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस को आप उसको एनालाइज करो, जो भी आप गलतियां कर रहे हैं। ऐसे लोग बोलते हैं फिजिक्स उनको समझ में नहीं आती है, फिजिक्स काफ़ी टफ है। तो फिजिक्स कोई टफ मुश्किल नहीं है, बस हम टफ और मुश्किल हम लोग उसको बना देते हैं कि अपने जैसा हम अपना तौर तरीकों से। तो आप लोग जो अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो फिजिक्स के आपके जो कॉन्सेप्ट हैं क्लियर होंगे, आप गलतियों से सीखेंगे तभी आपको जो फिजिक्स समझ में आएगी। अदरवाइज जब तक आप सिर्फ थ्योरी पढ़ने से फिजिक्स के आपके क्वेश्चंस नहीं होने वाले हैं, जब तक कि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर नहीं होगा, और आपका जो स्कोर है अच्छा नहीं आएगा, और आप सेलेक्ट जो है नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो है वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस का काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, मेहनत लगती है फिजिक्स और केमिस्ट्री में। तो आपको जो है इसलिए अच्छे से मेहनत करनी है इसके लिए। और सेम चीज़ देखो आपको केमिस्ट्री में भी फॉलो करनी है, जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई सेम चीज़ आपको केमिस्ट्री के लिए फॉलो करनी है, मैं अलग से नहीं बता रहा हूँ। सेम चीज़ आपको, ठीक है, लेक्चर्स लेने हैं केमिस्ट्री के लिए, रिविजन्स करने हैं, शॉर्ट नोट बनाने हैं, एक फार्मूला शीट भी बनानी है, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और देखो केमिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। तो फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में भी आपको, ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाने की बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत है, तभी चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेंगी अच्छे से। तो बाकी जो चीज़ें मैंने आपको फिजिक्स में बताई वैसे से आपको, ठीक है, केमिस्ट्री में भी फॉलो करनी है सारी चीज़ें। और ये तो बात हो गई फिजिक्स और केमिस्ट्री की। इसके बाद मैं अगर बात करता हूँ, आता है बायोलॉजी। तो बायो में देखो आपको बस एक चीज़ फॉलो करनी है, एनसीईआरटी को समझो कि आपका माई बाप है, आपको भगवान है। आप अगर हिंदू धर्म से आप बिलोंग करते हो तो आपके लिए गीता है, आप अगर क्रिश्चियन है तो आपके लिए बाइबल है, अगर आप मुस्लिम है तो आपके लिए समझो कुरान है। आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ। आपको बहुत सारे टीचर्स बोलेंगे आप इस बुक को पढ़ लो, उस बुक को पढ़ लो, तो एम्स बीएससी नर्सिंग क्या नीट, सोचो एम्स से अच्छा जो है पेपर आता है नीट का, तो नीट का भी जो है एम्स जो है एनसीईआरटी से बाहर उसमें क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो आप लोग सोचो क्या एम्स के लिए, एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए एनसीईआरटी से ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत है आपको? तो इसलिए आप लोग जो है अपना आइडियल बना लो, एनसीईआरटी को आपको एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है, बायो के लिए भी, केमिस्ट्री के लिए भी, फिजिक्स के लिए भी एनसीईआरटी में अपना मार्किंग करते चलना जो इंपॉर्टेंट है। और पूरा एनसीईआरटी से आप होली मत खेल लेना, ठीक है, रंग मत लेना उसको कि पूरा रंग डालो एनसीईआरटी। जो जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती हैं, आपको लगता है कि हाँ इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर वो टॉपिक जो मतलब पॉइंट है या फिर प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो आपको उसको मार्क करना है, ना कि पूरी एनसीईआरटी आपको वहाँ पे होली खेलनी नहीं है आपको एनसीईआरटी से, ठीक है।
तो आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना है, आप अपना उसको आइडियल बना लो आज से, ठीक है। उसका सुबह शाम उठते जागते उसको आप दर्शन करो, उसका पूजा करो, ठीक है। आपको एनसीईआरटी को अगरबत्ती दिखाओ, और सिर्फ देखो अगरबत्ती दिखाने से नहीं होती है, जब तक आप उसको पढ़ोगे नहीं, इसलिए आपको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है एनसीईआरटी को। तो ये तो मैं आपको बता दिया कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपको कैसे करनी है, ले लीजिए। और जीके कोई इतना बहुत ज़्यादा नहीं है, आप उसके लिए बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी यूट्यूब पे पड़े हैं, अगर आप उतना कर लेके जाएंगे तो आपका जो है वो आराम से क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो जो मेन इंपॉर्टेंट है किसका है, वो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का है, इसलिए आप लोग जो है मेन फोकस अपना पीसीबी पे करना, और यहीं से आपका जो सिलेक्शन होगा। बाकी आप अगर जीके में भी आप 5-6 क्वेश्चन कर ले जाएंगे तो भी आपके लिए बहुत सफिशिएंट है। और इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ आपका रिवीजन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मैं हाईलाइट भी यहाँ पे कर रखा हूँ, क्योंकि देखो रिवीजन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्रिपरेशन में। अब देखो मैं बात करता हूँ ड्रॉपर बच्चों के लिए और जो बच्चे फ्रेशर्स हैं, ठीक है। जो बच्चे ड्रॉपर्स हैं, मतलब ड्रॉपर इन द सेंस कि जिन्होंने मान लो 1-2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं बट उनका सिलेक्शन किसी वजह से नहीं हो पा रहा है, मान लो कुछ उनके नंबर कम आ रहे हैं, तो उन बच्चों को देखो एक चीज़ मैं आपको हिदायत दूंगा, आपको मैं एक पहले से वार्निंग दे दे रहा हूँ कि आपको देखो इस तरह इस ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं पढ़ाई करनी है कि हाँ मैं तो 1-2 साल पढ़ रखा हूँ तो मुझे हर सब कुछ आता है। आपको एकदम जीरो से स्टार्ट करना है। मैं आपको अभी बोला कि आपको मैं जीरो से आपको 85+ कैसे लाना है, तो आपको अगर जीरो से 85 लाना है तो आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको ये समझना होगा कि हाँ मतलब मुझे कुछ नहीं आता है, भले आपको आता हो बट आप अपने आप को इस तरह मानो कि आप एकदम फ्रेशर हो, नए बच्चे हो, आपको कुछ नहीं आता है, आप एकदम आप ठीक है आप जीरो से स्टार्ट करिए और आप फिर से चीज़ों को सीखो, ठीक है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आप में कमी है। आपने भले 1-2 साल प्रिपरेशन कर रखा है बट अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है इसका मतलब आप में कहीं ना कहीं कमी है। उस कमी को दूर करने के लिए आपको फिर से एक नए सिरे से स्टार्ट करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। और तो उसके लिए आपको बेहतर होगा कि आप एकदम जीरो से स्टार्ट करिए और ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए। देखो मैं बात करता हूँ जो बच्चे फ्रेशर्स हैं, जो बच्चे अपीयरिंग में हैं, तो देखो बच्चों आप जो बच्चे अपीयरिंग में हैं तो जब जो सिलेक्शन का देखो एक मैं अगर आपको एक रेशियो बताऊं तो सबसे ज़्यादा वही बच्चे सेलेक्ट होते हैं जो अभी एकदम रिसेंटली जो 12 पास आउट होते हैं। और देखो वो बच्चे जो ड्रॉपर्स हैं डीमोटिवेट ना हो, लेकिन जो मैं आपको ऐसी रियलिटी बता रहा हूँ, जो नंबर ऑफ सिलेक्शन होने का जो एक रेशियो है सबसे ज़्यादा उन बच्चों का होता है जो रिसेंटली में 12 पास आउट होते हैं, क्योंकि उनका सब कुछ अभी नया नया दिमाग होता है, सब कुछ वो नए नए पढ़े होते हैं, और वही बच्चे भी सेलेक्ट होते हैं जो अच्छे से अपना 11-12 अच्छे से पढ़े होते हैं। अगर आप अपने बोर्ड का अच्छे से प्रिपेयर है आपका तो आपका सिलेक्शन बड़े आराम से हो जाएगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। बस आप जीके अलग से पढ़ लेना कहीं से, बाकी आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अगर आपका स्कूल आप अच्छे स्कूल या कॉलेज से आप पढ़ रहे हो तो आप लोग जो है अच्छे से पढ़ाई करना, तो आपका सिलेक्शन जो है बड़े आराम से हो जाएगा। तो इसके बाद देखो मैं आपको बताता हूँ कि टेस्ट के बेनिफिट क्या क्या होते हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज देने के बेनिफिट क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो जो टेस्ट सीरीज होता है, टेस्ट सीरीज से बहुत सारे बेनिफिट हैं, तो मैं आपको बताऊँ तो टेस्ट सीरीज देखो बेनिफिट इसका आपको तब मिलता है जब आप टेस्ट देने के बाद खुद को आप इवेल्युएट करो, खुद को आप एनालाइज़ करो, जो क्वेश्चंस आपसे गलत हुए हैं क्वेश्चंस को आपको एक बार फिर से देखना है, उस पर्टिकुलर आपको चैप्टर को खोलना है, उसके टॉपिक को खोलना है और आपको उस कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज करना है। उसके बाद देखो मिस्टेक्स को शॉर्ट आउट करो, उनको मार्क करो, ठीक है। सिर्फ पेपर ऐसे छोड़ मत दो, इस चीज़ को मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि उसको मिस्टेक्स को उनको एक सर्कल ऐसे मान लो आपका क्वेश्चन में मान लो फर्स्ट ही गलत है, आप फर्स्ट को ऐसे सर्कल बना लो रेड पेन से लेकर के, ठीक है, ताकि आपको जब बाद में फिर से एक टेस्ट पेपर को कुछ दिन बाद देखो, मान लो आप जब 4-5 महीने बाद फिर से देख रहे हैं तो आपको सिलेबस कंप्लीट हो जा रहा है, तो उसके बाद ताकि आपको पता चले कि हाँ आपने गलती कहाँ की थी। और एक चीज़ आपको फिर से देखो मैं बोलूँगा कि आप लोग जो है वो बैकलॉग से बचो। जैसे अगर मान लो आपने इस वीक डिसाइड किया है कि आपको मान लो कोई चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, आपको मान लो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक आपको कोई चैप्टर पढ़ना है, तो अगर मान लो आपको एक हफ्ते में आपने कुछ आपको ऐसे मान लो कुछ घर पे फैमिली इशू या फिर कुछ ऐसा हो जाता है, इंसान बीमार पड़ जाता है या फिर कुछ और चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, तो उनका जो सिलेबस है कंप्लीट नहीं हो पाता है उनका जो टारगेट है, तो आप लोग देखिए बैकलॉग को आप संडे सैटरडे कुछ मान लो कोई ऐसा हॉलीडे पड़ता है, आप हॉलीडे को अच्छे से यूटिलाइज करो, उसको यूज करके आप जो अपना बैकलॉग पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए आपको जो है बैकलॉग होने से बचो, बैकलॉग बहुत गंदी चीज़ होती है। अगर एक बार आपके ऊपर जो है भारी बोझ होना स्टार्ट बनना मतलब लगना स्टार्ट हो गया तो आप उस बोझ तले दबते चले जाओगे, फिर उस आप बोझ से कभी ऊपर उठ नहीं पाओगे। इसके बाद देखो एक जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आज का मतलब कह सकता हूँ आज के जनरेशन का जो हम लोग के टाइम का जो एक सबसे बड़ा इशू होता है वो होता है सोशल मीडिया। तो देखो सोशल मीडिया में से व्हाट्सएप हुआ आपका, इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक है, इन सब पे हम रील्स देखते हैं, फिर आप किसी अपने जो लव वंस होते हैं उनसे हम बातचीत करते हैं, तो आपको देखो
कुछ लोग ऐसा बोलेंगे आपको टीचर्स कि आपको देखो कि आप एकदम से इन सब चीज़ों को छोड़ दो, ठीक है, आप डीएक्टिवेट कर दो या फिर आप व्हाट्सएप मत चलाओ, मत चलाओ। देखो हर चीज़ के देखो दो, एक दो सबके पहलू होते हैं, दो पोल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, ठीक है, एक पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। तो आपको सिर्फ पॉजिटिव वाले को देखना है, नेगेटिव वाले को मत देखो। देखो हर चीज़ के अपने सबके सिग्निफिकेंस है। पॉजिटिव पे व्हाट्सएप का भी काफ़ी, अगर आप उसको अपने प्रिपरेशन में अगर आप यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम का भी अगर आप अपने प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं, तो उसका काफ़ी आपको बेनिफिट मिलेगा। इसलिए आप लोग देखो बहुत ज़्यादा अपने आपको रिस्ट्रिक्ट मत करना इन सब चीज़ों से। आपको जब भी मैं आपको बोला थोड़ा बहुत ब्रेक आपको लो, या फिर शाम को एक बार आप लोग, ठीक है, मतलब ब्रेक में भी आप ऐसा चीज़ सोशल मीडिया मत यूज़ करें, तो आप 10 मिनट के चक्कर में 10 मिनट आप अगर रील देखने बैठोगे तो फिर आपके घंटे 2 घंटे कब बीत जाते हैं पता नहीं चलता है। इसलिए आपको दिन में एक अपना शेड्यूल बना लो कि आपको इस टाइम पे फ़ोन यूज़ करना है, उस टाइम पे आप अपना व्हाट्सएप यूज़ कर लो, इंस्टाग्राम यूज़ कर लो, फेसबुक यूज़ कर लो, आपको किसी से बात करनी है व्हाट्सएप पे, आपको रील देखना है आप रील भी देख लो थोड़ा बहुत, ठीक है, 10-5 मिनट, लेकिन उससे ज़्यादा आप लोग मत करना है। तो फिर अगर आप इसके एडिक्टेड हो जाओगे तो आपकी प्रिपरेशन जो है पूरी वो बेकार हो जाएगी। फिर एक बार यूज़ कर लो, ज़्यादा यूज़ मत करो इन सब चीज़ों को, क्योंकि काफ़ी ये भी चीज़ें आपको अपने आपके गोल से दूर ले जाती हैं। तो ये तो बात हो गई आपको एम्स बीएससी नर्सिंग की, मैं आपको क्या क्या आपसे डिस्कस किया सोशल मीडिया के ऊपर, टेस्ट के ऊपर, ड्रॉपर्स जो स्टूडेंट है फ्रेशर्स के ऊपर, और आपको पीसीबी जो आपको कैसे पढ़नी है उसमें क्या क्या चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है। उसके बाद आपको मैंने बताया कि जो एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम होता है उसमें मार्किंग सिस्टम कैसा होता है, सब्जेक्ट जो है कौन कौन से पूछे जाते हैं, सेल्फ स्टडी जो है आपको कैसे करनी है, ठीक है, इसके बाद आपको डेली शेड्यूल आपको कैसे अपना बना के रखना है, इसके बाद आपको रिवीजन कैसे करना है, टाइम टेबल आपको शेड्यूल कैसे करना है, आपको पूरा अपना सिलेबस कब किस महीने में कंप्लीट करना है, कितने टाइम में करना है, रिवीजन आपको कब कब किस किस महीने में करना है। तो ये सारे जो एक आपको एक रोड मैप था मैंने आपको दे दिया बच्चों। इसके बाद आपको बस करना कि आपको इनको फॉलो करना है, अगर आप फॉलो करेंगे तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे, नो डाउट। इसकी श्योरिटी मैं आपसे लेता हूँ। बाकी जो मैंने आपसे अनाउंसमेंट की थी कि मैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो है वो आपका सिलेबस मैं आपको कवर कराऊंगा, आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं पूरा, और आपको अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे से पढ़ना, नहीं तो फिर आपको जहाँ से भी आपको सही लगता है आप वहाँ से अपने वीडियो लेक्चर्स आप लोग देख सकते हो। लेकिन हाँ, पढ़ाई होनी चाहिए, वो नहीं रुकनी चाहिए, आप चाहे कहीं से भी पढ़िए, जो मेन इंपॉर्टेंट आपके लिए है वो पढ़ाई है, आपको पढ़ाई पे फोकस करना, कहीं से भी आप लोग पढ़ो। तो बस अब आपको इन चीज़ों को आपको अपने खुद के पर इंप्लीमेंट करना है, सिर्फ इसको वीडियो देख के ख़त्म नहीं करना है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो जो कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है, ताकि चीज़ें आपको याद रहें और आपको इसी तरीके से पढ़ाई करनी है तो भी आप अपने गोल तक आप बहुत आसानी से पहुँच जाओगे। आप लोग ज़्यादा परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, कोई बहुत ज़्यादा टफ एग्ज़ाम नहीं होता है इसका, एंट्रेंस एग्ज़ाम का। तो फिलहाल जो है आज की वीडियो में इतना ही, बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल के सपोर्ट में जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।